हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और वेरियस अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर टॉपिक से वन लाइनर, इनफैक्ट 3 नंबर के क्वेश्चंस या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। स्टेट पीएससी और यूपीएससी के मेंस में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है और इनफैक्ट कई एग्जाम्स में जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रहते हैं उनमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है वन और द अदर वे में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि रिसेंटली ही ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक क्रूज मिसाइल है और अग्नि मिसाइल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उनका सफल टेस्ट भी हुआ है कई सारे लॉन्च पैड से। और अगर आप सब अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हम दूसरे कंट्री का एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे हम रशिया के साथ मिलकर बनाए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का जो स्पीड है वो 2.8 मैक है। अगर आप मैक के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो मैं ये बता दूं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, अगर उससे कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज चल रहा है या इक्विवेलेंट चल रहा है तो उसको 1 मैक बोलते हैं। तो 2.8 मैक मतलब जो साउंड का जो स्पीड है उससे 2.8 टाइम्स ज़्यादा है ब्रह्मोस का स्पीड। सबसे पहले तो हम बेसिक देख लेते हैं जो कि वन लाइनर में पूछ भी लेते हैं मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस में, कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है, जो पाथ होता है, वो कैसा होता है। तो इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप देख रहे होंगे जो ट्रेजेक्ट्री है, जो येल्लो में मार्क्ड है वो है बैलिस्टिक मिसाइल का, और जो रेड में मार्क है, जो पाथ आपको दिख रहा है रेड में, वो क्रूज मिसाइल का है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं होके जा सकता है, ऊपर नीचे इन द सेंस कि अगर बीच में पहाड़ आ गया, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल स्ट्रेटेजिक पर्पस से इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अच्छा माइलस्टोन भी है। इससे चाइना से जो हमें खतरा था वो भी निपट सकते हैं, और इनफैक्ट जो सियाचिन ग्लेशियर्स और जो पाकिस्तान की तरफ जो ग्लेशियर्स हैं उनमें क्या था, हम जब 1990 का जो वॉर लड़े थे पाकिस्तान से तो उसमें यही इशू आ रहा था कि जो दुश्मन थे वो पहाड़ के दूसरी तरफ बैठे हुए थे और उस तरफ हम गोले नहीं बरसा सकते हैं, क्योंकि हम जब अगर तोप से गोले बरसाएंगे तो हम सिर्फ एक तरफ ही मार सकते हैं, क्योंकि पहाड़ के उस तरफ तो गोले जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो पहाड़ के उस तरफ दूर जाके गिरेंगे, पर जो पहाड़ के जस्ट उस तरफ बैठे हुए हैं उन पे तो गोले नहीं गिरेंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो फाइटर जेट्स का यूज़ करना पड़ा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी भी हुआ। पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्या करेगा कि अगर बीच में पहाड़ आ रहा है तो पहाड़ के ऊपर से उड़ेगा और फिर डिक्लाइन करेगा, तो इसका ट्रेजेक्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पाकिस्तान और चाइना दोनों को काउंटर करने के लिए है, और इसका जो मेनली जो बेसिस रहेगा वो हमेशा बॉर्डर के अलोंग ही रहेगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है, कितना दूर तक ये मार कर सकता है, कितना दूर तक ये जा सकता है, वो अराउंड ऑफिशियली 298 किलोमीटर है, बट जो भी कंट्री ऐसा बताता है ऑफिशियल डेटा उससे हमेशा वो ज़्यादा ही रहता है पाथ, बट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा कम ही बताते हैं। हर कंट्री ऐसा ही करता है, नॉट ओनली इंडिया, हर कंट्री ऐसा ही करता है। इनफैक्ट अगर आप अग्नि 5 का जो आप देखेंगे रेंज जो है वो इंडिया बोल रहा है 5000 किलोमीटर है, बट आप अगर दूसरे कंट्री की बातें सुनेंगे तो उसमें चाइना भी बोल रहा है कि इट इज़ अराउंड 8000 और मोर देन दैट। तो सबको पता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा कम बताते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर्स भी होता है कि आप इतना ज़्यादा रेंज का क्यों बना रहे हैं, और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए हम हमेशा कम बताते भी हैं, और इनफैक्ट हम थोड़ा लिमिटेड बना भी सकते हैं, उसका जो रेंज है वो लिमिटेड ही रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो मेनली लॉन्ग रेंज के लिए होता है, और क्रूज मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से काम करता है, जैसे कि आप एक टावर ले लीजिए, रेडियो टावर, टीवी टावर या जो मोबाइल टावर होते हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं कि जिनका जितना ज़्यादा उनका हाइट रहेगा उतना ज़्यादा वो रेंज कवर कर पाते हैं। इसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल भी होता है, जितना ज़्यादा वो एल्टीट्यूड कवर करेगा, एल्टीट्यूड मतलब ये सबसे पहले तो ऊपर जाता है और फिर धड़ाम से नीचे आता है, तो जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा, मान लीजिए 80 किलोमीटर ऊपर जाएगा, तो 80 किलोमीटर से वो ज़्यादा अर्थ का रेंज कवर कर पाएगा, और इस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि वो जब डिक्लाइन होता है तब उस प्रोपोर्शन तो होता है, उसमें इंजन तो लगा रहता है, इंजन काम भी करता है, अलॉन्ग विद दैट वो ग्रेविटी का भी यूज़ करता है, और बहुत तेज़ी से वो नीचे डिक्लाइन करता है, और मल्टीपल टारगेट पर वो हिट भी कर सकता है या सिंगल टारगेट पर भी हिट कर सकता है, दोनों उसमें खूबियाँ रहती हैं। बट जो क्रूज़ मिसाइल है वो उसको हम शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट टारगेट्स के लिए, और उसका स्पीड हम ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। तो दोनों के अलग अलग पर्पस हैं और दोनों के स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ पॉइंट से भी अलग अलग काम है। अगर हम बेसिक देखें
इंडिया के पास अगर ऐसा कुछ वन लाइनर में पूछ दें कि निर्भय जो है वो क्रूज मिसाइल है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो निर्भय है वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टैब्लिश के द्वारा किया गया था, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आता है। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड मतलब विद इन इंडिया ही इसको डेवलप किया गया है निर्भय को। और ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब इसका जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम है। जैसा ब्रह्मोस आपको बताया मैं पहले, ये क्रूज मिसाइल है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका जो स्पीड है वो 2.8 मैक है और ये अलॉन्ग विथ रशिया हमें हमने बनाया है। अभी हम रिसेंटली डेवलप कर रहे हैं HST DV, ये हाइपरसोनिक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक के बारे में अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो मैं ये बता दूँ कि जो हाइपरसोनिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका स्पीड 5 मैक से अबव होता है, 5 मैक और 5 मैक से अबव होता है। रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है, कि जो रशिया है वो एक मिसाइल बनाया है जिसका जो स्पीड है वो मोर देन 25 मैक है, जो कि मतलब USA तो वो आँख बंद करते पलके झपकाते ही पहुंच जाएगा। इट मीन्स अराउंड 12 मिनट्स लेगा, समथिंग लाइक दैट, कि 25 मैक की स्पीड से चलेगा। तो इससे USA भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील किया था कि मतलब हम कैसे उसे काउंटर कर पाएंगे, जो ऑब्जेक्ट इतना तेज़ है जो 25 मैक के स्पीड से चल रहा है वो, उसको हम कैसे काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम तो जब तक डिटेक्ट करेगा तब तक वो हमारे ऑब्जेक्ट को हिट कर चुका होगा। बट फिर रिसेंटली USA ने भी बोला कि हम उस पर्टिकुलर मिसाइल को काउंटर करने के लिए हम अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर चुके हैं। तो ये सब चलता रहता है। और अगर आप ये बोलें कि स्पीड का क्या है, स्पीड तो बढ़ा दो, ज़्यादा उसमें प्रोपल्शन डाल दो, रॉकेट ज़्यादा यूज़ कर लो, स्पीड उसका बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होता है उसमें जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है उसका जो मटेरियल है वो सब कुछ वेरी करता है। फिजिकल जो फिजिक्स का जो फेनोमेना है उसमें अप्लाई होने लगता है और बहुत सारे इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, तो हम इतना इजिली स्पीड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो इंडिया है वो HST DV पे काम कर रहा है, जो कि हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हम टेस्ट भी कर रहे थे अग्नि 1 मिसाइल के ऊपर लगा के। अग्नि 1 मिसाइल जो है उसके ऊपर हम एक पेलोड लगा दिए थे, एक ऑब्जेक्ट लगा दिए थे जिससे हम टेस्ट कर रहे थे कि वो हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करे। बट उस पर्टिकुलर टेस्ट को हमें अबॉर्ट करना पड़ा था, क्योंकि जो अग्नि 1 है वो पर्टिकुलर एल्टीट्यूड अचीव नहीं कर पाया था और हमें बीच में इसको अबॉर्ट करना पड़ा, इस पर्टिकुलर मिशन को। अगर हम मिसाइल्स के बारे में चेक करें कि इंडिया में कौन से मिसाइल हैं और उनका वो कौन से उसमें आते हैं, बैलिस्टिक हैं या क्रूज हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, मेनली वन लाइनर में, कि अग्नि 5 है वो बैलिस्टिक है या फिर ब्रह्मोस है वो क्रूज है या बैलिस्टिक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। और रेंज का अगर देखें तो रेंज के बारे में तो कोई एग्जाम नहीं पूछेगा जहाँ तक मुझे पता है, बट फिर भी हम एज अ अवेयरनेस पर्पज़ के हिसाब से हम जान सकते हैं कि जो पृथ्वी 1 है, हम सबसे पहले पृथ्वी 1 को डेवलप किए, फिर पृथ्वी 2 को किए, धनुष किए, धनुष भी बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर अग्नि का सीरीज आया, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक हमने डेवलप किया है, अग्नि 6 के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और जो K4 है वो SLBM मिसाइल है, ये भी बैलिस्टिक ही होते हैं। और जो ब्रह्मोस है वो एक क्रूज मिसाइल है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए सब्सक्राइब के साथ साथ, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स।